आज की रेसिपी है मुरमुरे की उपमा। इसको हम उड़िया में मोरी बोलते हैं। मैं इस कप से मेजरमेंट करके ले रही हूँ। तीन से चार कप। अगर आपको आपके हम ज़्यादा ना गए तो आप ज़्यादा ले सकते हो। मैं दो से तीन पकौ के लिए ला रही हूँ। इस पे हम और पानी मिलाएंगे। पानी मिला के भिगो देंगे इसको अच्छे से। इसको मैं थोड़ी देर बर्तन पे निकाल दी। इसको हम अच्छे से धो देंगे ताकि इसमें जो रेत वगैरह लग गई हुई है वो अच्छे से धुल जाए। रेत वगैरह सब अच्छे से हो जाए। सुबह की नाश्ता भी बहुत अच्छा है चाय के साथ। मैंने लीजिए बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा नमक चल लीजिए। इसमें हम कैप्सिकम गाजर मटर बीन्स वगैरह डाल सकते हैं बॉल करके। पर अभी मेरे पास ये सब नहीं है अवेलेबल घर में तो मैं इसको बस सादा ही बनाऊंगी। प्याज भी डाल सकता हूँ पर मैं प्याज भी नहीं डालूंगी इसमें एकदम बिना प्याज और बनाऊंगी। चलिए अब इसको हम छान लेते हैं अच्छे से। चलिए अब हम गैस ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो रहा है। इसमें भी कम तेल लगता है। ये डाइट फूलों के लिए बहुत अच्छा सा मस्ता है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम थोड़ा सा पंच फोरन डालेंगे। एक चना दाल कर चुके हैं।
अच्छे से मिला लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। इसमें हम अब हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और चीनी डालेंगे, तो जितना मीठा पसंद है अपने हिसाब से हम डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, चलिए हम उसको मिला देते हैं। डाल सकते हैं, बादाम डालते हैं हम, कैप्सिकम, प्याज, गाजर, कुछ भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं, गोभी सब। पानी सूख जाए तो हम इसको निकाल देंगे। थोड़ा सा मिला लेती हूँ अच्छे से इसको। अगर अपना फोन पकड़ी तो एक हफ्ते नहीं करते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है, चलिए गैस हम बंद कर देते हैं और इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और आपको दिखाते हैं कैसे बना है कैसा नहीं। पता नहीं इसे कैसे रखूँ, कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गए हैं।